की निशानी शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था। तस्वीर आपके सामने है। ताजमहल 1643 ईस्वी में औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी, उसके बावजूद लगभग 10 साल और लग गए इसे अंतिम रूप देने पर। ये यमुना नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। मकबरा और संगमरमर के अगर दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी आकर्षक ये रूप है। इस वक्त भीड़ जो है वो साफ बयां कर रही है कि इस जगह का, इस प्लेस का कितना बड़ा महत्व है। आप इस तरफ देख सकते हैं जहाँ पे लोग एंट्री करते हैं, अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। इस तरफ देख सकते हैं कि सभी अपने हाथों में सेल्फी लेने के लिए तैयार हैं। हमारे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे देख रहे हैं, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो आपको मैंने दिखाया है। दिल्ली के एक ऐसे जगह जहाँ लाल किला अवस्थित था, वहाँ पर भी मैंने दिखाया, और अभी जो है फिलहाल यूपी के आगरा में हम मौजूद हैं। ये ऐसी निशानी, खासतौर से युगल जोड़ी भी यहाँ पे आते हैं जो प्रेम के बंधन में बढ़ते हैं, वो खासतौर से यहाँ पे आकर के एक यादगार लम्हे निभाने के लिए इस ताजमहल के पास करीब आते हैं। हम आपको बता दें कि इसे बनाने के लिए लगभग 22,000 कारीगरों का इस्तेमाल किया गया और कुल 22 दिन इसे बनाने में लगे। इस तरफ की तस्वीरें देखें और अनुमान लगाइए कि इस जगह पर आने के लिए लोग कितने उतावला होते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ख़ास तौर से उन जैसे जोड़ी के लिए जो अपना प्रेम बंधन निभाना चाहते हैं। शाहजहां ने इसे 1643 में, इसे आपको हम बता दें कि एक औपचारिक रूप से इसका निर्माण करवाया, और अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आज व्यू थोड़ा सा ज़्यादा है और यमुना नदी के दक्षिणी तट पर यह अवस्थित है। लगभग यहाँ की अगर बात करें तो 73 फीट इनकी ऊंचाई है, और डायमेंशन अगर देखें इंजीनियरिंग ड्राइंग के तहत इसे काफ़ी लचीला आप नहीं कह सकते, लेकिन एक आकर्षक रूप दिया गया है। इस तरफ एक गेस्ट हाउस भी है, और साथ ही साथ इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि एक मकबरा है और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है।